सिर्फ ये लोग भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आप लोग बताइए, कोई आप लोग का काम बिना घूस दिए होता है क्या? कोई काम घूस दिए बिना बिना पैसा कोई काम नहीं होता है। IVTV देखता है इंडिया। उनको कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही में परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। या हम लोग अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, हम लोग सरकार के समक्ष हम लोग ये मांग रख रहे हैं। पर हकीकत यही है कि ये जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, भाई आज की तारीख में ये लोग हम ही लोगों को दोषी ठहराता है। ये लोग बोलता है कि जो पिया है वही दोषी है। भाई अगर नहीं जान दारू मिल रही होती तो कोई पीता क्या? आप शराबबंदी आप बोले हैं 2016 से, 2016 से फिर काहे शराब मिल रहा अभी? ये जिम्मेदारी बनती है शासन की, प्रशासन की, इनके अधिकारियों की। अपने अधिकारियों पर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करता ना, कोई कार्रवाई। और हम ही लोगों को बदनाम करता है कि ये लोग दारू पिया है, यही लोग गलत आ चुका। भाई अगर नई शराब मिलती, मिल रही है तभी ना लोग पी रहा है, तो शराबबंदी का मतलब क्या हुआ? शराबबंदी का मतलब है कि शराब नहीं मिलनी चाहिए। पर ये लोग शराब बिकवाता है, शराब मिलती है तभी लोग पीता है और इस तरीके से उनकी जान जाती है। भाई सब जवान लोग यहाँ पर, जितना लोग है सब 40-45-50 साल का ना है, छोटा छोटा सबका बच्चा लोग है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, मुख्यमंत्री को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसीलिए आज यहाँ आप लोगों के बीच हम आए, ताकि आप लोगों की इन बातों को हम मुख्यमंत्री के पास रखेंगे। हमसे व्यक्तिगत तौर पर देखिए, हम सरकार का अंग नहीं है, हमसे व्यक्तिगत तौर पर जिसका जो मदद होगा हम करने का प्रयास करेंगे। हमको भी पता चला कि दोगो बच्ची है, उनका भी है, उनका शादी का मामला है, शादी हो रहा है, उसमें जितना मदद होगा वो हम करवाएंगे अपनी तरफ से। शादी में लेना देना जो भी हमसे हो पाएगा वो हम करवाएंगे। कोई छोटा बच्चा लोग है उसको कहीं स्कूल में एडमिशन करवाना है वो हम करवाएंगे। और जो बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो सरकार की बनेगी। आप लोग की तरफ से हम इस मांग को सरकार के समक्ष हम जरूर रखेंगे, पर आप लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि भाई ऐसी सरकार से भी सावधान रहने की हम लोग को जरूरत है। जो आज दुख की घड़ी में हम लोग के साथ नहीं खड़ा है, तो ऐसी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री होने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। आज ना हम लोग को जरूरत है सरकार की। वोट का समय आएगा सब भागा हुआ था, पर आज दुख के समय इनमें से कोई नहीं दिखता हम लोग को, कोई नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग को भी ये याद रखना है कि कल को जब ये लोग वोट मांगने आए तो ये दिन हम लोग को याद रखना है भैया, कि दुख की घड़ी में कौन खड़ा था हम लोग के साथ और आज हम लोग का कौन साथ दे रहा है। भाई ये लोग तो आज जब दुख की घड़ी है इल्जाम भी हम ही लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। कितनी जगह हम गए जहाँ पे जाकर घर के लोगों को घर से बाहर निकाल कर, महिला बच्चा लोगों को बाहर निकाल कर घर पे ताला लगा के घर को सील कर दिया, घर के लोगों को घर में नहीं जाने दे रहे। तो ये तो इन लोगों का काला कानून है, ये इन लोगों का शासन प्रशासन का तंत्र है। तो हम लोग को भी ये सब याद रखना चाहिए कि आज जब हम लोग को जरूरत है, बच्ची लोगों की शादी है, कहाँ मुख्यमंत्री खड़े? कहीं नहीं। इन लोगों का मंत्री लोग कोई नहीं सुन। आज जब हम लोग को जरूरत है बच्चा लोगों को पढ़ाने की, परिवार का एक कमाऊ आदमी ना गया है तो उसकी जगह सरकार को सरकारी नौकरी देने की जिम्मेदारी भी बनती है, बनती है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी बनती है कि भैया नहीं है साथा में। सही बात है, एक कमाऊ आदमी क्या है, आप दीजिए उसकी जगह नौकरी। नौकरी देना तो दूर की बात है, जो पारिवारिक लाभ मिलना चाहिए वो लाभ ये लोग हम लोग को नहीं देता। जो मुआवजा हम लोग का हक अधिकार है वो मुआवजा हम लोग को नहीं देता। जो मजदूर लेबर विभाग की तरफ से भी उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और इन तमाम बातों पर प्रशासन खामोश रहता है, पर आप लोग की तरफ से इस बात को हम रखेंगे मजबूती से। पर आप लोगों से भी आगे कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ ये लोग भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आप लोग बताइए, कोई आप लोग का काम बिना घूस दिए होता है क्या? कोई काम घूस दिए बिना बिना पैसा कोई काम नहीं होता है। पेंशन चाहिए तो घूस दिए, कोई काम बंद करवा दे, कमाई हो सामने भ्रष्टाचार बंद करना है।
अब परसों से कमाई करवाया जाए, कमीशन जाता है मुख्यमंत्री जी को, इसलिए काम करवाया जाता है। और एक अधिकारी पे ये लोग कार्रवाई नहीं करते, एक अधिकारी पे नहीं, सारे शासन प्रशासन तंत्र के लोग भ्रष्टाचार में लगते सामने, और बाद में दोष ये लोग डालता हम ही लोगों पर, यही लोग किया। अब दिक्कत यही है ना कि भाई गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, गरीब है, वंचित वर्ग से आता है, तो इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क नहीं पड़ता कि भैया गरीब लोग अलग हो गया है, उनको क्या मतलब है बाकी को बाल बच्चे से, कुछ नहीं देखना है। शासन की सरकार, शासन बाबू की सरकार बोलते हैं नीतीश कुमार, वही वाला नहीं देखता हो गया। आज उनको इस समय को भविष्य के देखना चाहिए, नहीं ना उनके बीच में तो कहां नहीं बांध रहा है, बाकी से क्या मतलब है, उनका अगर रहता बीवी बच्चे साथ में तब उनको मतलब रहता, उनको है नहीं, बाकी जब मैं मेरे नहीं तो दूसरा भी नहीं, वो तो आप बहुत जड़ू है, नसबाज है, दारू नहीं चलवाएगा, जोर नहीं चलवाएगा, 100% बिहार में दारू चल रहा है, 100% हर एक जिला हर एक पंचायत में दारू बिक रहा है, बिहार में दारू बिक रहा है, सबका दोषी नीतीश कुमार है, सबका दोषी नीतीश कुमार की सरकार है और यहाँ का पुलिस प्रशासन है, सबको पता है कि खुलेआम शराब मिलती है, सबको पता है, बस नीतीश कुमार को नहीं पता, उनको नहीं पता कि खुलेआम मिल रही है, बाकी सब जानता है कि खुलेआम यहाँ पे शराब सब जगह मिलता है, और पूरे प्रदेश का ये हाल है, एक जगह एक जिला का नहीं, पूरे प्रदेश का ये हाल, पहले था 5,050 से कम था, लेकिन आज सबसे ज्यादा दरोगा कमाई है, सबसे ज्यादा जी सर, अपनी तरफ से अपने जितना होगा हम करेंगे, सत्ता में नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर जो खर्चा बनी होगा वो भी आने वाली है, बाकी शासन प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए हम मांग उठाएंगे, ठीक है, हम करेंगे, बच्चा लोग का कहीं एडमिशन का मांग है वो किनके परिवार वो हम खर्चा देंगे, ठीक है, जो कद करता है सुना बगल है तुम्हें लड़की के बाल हम नंबर से दे रहे हैं, हमारे घर भाई लड़ी रहे मुख्यमंत्री से रहुआ, अब अकेले लड़ रहे हैं, सारा शासन प्रशासन परिवार तोड़े में सब तोड़े में लगल बा, एगो ये है कि बिहार में लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, वो हम देख लेंगे बच्ची का शादी का, हम आईबो कर जितना बन पड़ेगा वो हम देख लेंगे, अरे यहाँ पर ख्याल दे रहा है समस्या जो हम लोगों से हल हो सके, कहीं पे किसी का एडमिशन करवाना है, शादी का शादी का कौन ना उजर का उजर का, अरे आप कहाँ कहाँ ले वहाँ नहीं जाएंगे, साइड होगा क्या, साइड होगा हम भी तो यही मांग कर रहे हैं कि दारू पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, तो मिलता कैसे, एक मिनट सर, सर एक मिनट, हमारे कहने का मतलब ये है
जब दारू बंद हो गया तब यहाँ पे शराब आया कहाँ से? अगर बेचना है तो ठीक है के माल बेचाना चाहिए। हमारे घर में 5 किलो आ रहे दारू बेचा चाहिए। एक बात बताओ लोग बंदिया से ज्यादा मिलता कौन? ज्यादा मिला था, ज्यादा मिला था तो के दोषी हो? नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। बात नहीं है, ठेका बनाने में दारू बंद के चाहिए। हमारा दारू मिलना ही नहीं चाहिए, दारू बंद हो जाए, बंद होना चाहिए। Hey!